नींबू जो है उसके सिर्फ हम यही समझते हैं कि विटामिन सी है और सिट्रेट होता है जो पथरी नहीं फॉर्म करने देता, पथरी नहीं बनती इसकी ऐसे, लेकिन इसके इतने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं मैं आज आपको बताऊंगा जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हारिस कुरैशी है और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ जो कि है नींबू। हम नेचुरल चीज़ों पे बात कर रहे हैं और उसमें हम नींबू पे बात ना करें तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी। सबसे पहली मैं चीज़ ये बताना चाहता हूँ आपको कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि नींबू जो बॉटल्स में मिलता है ना नींबू, वो इस्तेमाल करते हैं। हम इसकी कतई बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि नींबू जो फ्रेश निकाला जाए, दुबा के आप निकालें, वो उस नींबू की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब आप बॉटल्ड और ये कैंड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, न्यूट्रिएंट्स उनके जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं और वो इस वजह से उनकी इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है नींबू के अंदर और सिट्रेट ज़्यादा होते हैं, पथरी नहीं बनती, और बहुत सी मैं वीडियोज़ भी इसके ऊपर बना चुका हूँ। लेकिन इसके अलावा भी नींबू के बहुत से फ़ायदे हैं, जल्द को सही रखता है ये, स्किन ग्लो करती है, स्किन को साफ़ रखता है, आपके हाजमे में बहुत रोल है इसका, डाइजेशन में, जो कि बहुत अच्छा रहता है आपका अगर आप नींबू लें रोज़ाना। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं नींबू के अंदर जिसे बोलते हैं फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं ये एक सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये 6000 किस्म के होते हैं, लेकिन इसमें से हम सिर्फ एक पे आज बात करेंगे जो नींबू के अंदर होता है और बहुत ही हेल्दी है। इस फ्लेवोनॉइड का नाम है एरियोसिट्रीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो मैं अब आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट इसका हेल्थ बेनिफिट है कि ये आपकी जो जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ जाती है ना, उसको पिघलाने में मदद करता है। दूसरी हेल्थ एडवांटेज ये है कि जो LDL होता है आपका, वो जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको ये कम करता है, और HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है ये उसको बढ़ाता है। तो इस तरह से ये कोलेस्ट्रॉल को आपके जिगर में अच्छा करने में मदद करता है। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कुछ स्टडीज़ डबल ब्लाइंड स्टडीज़ हुई, उनने बोला है कि ये जो इसके अंदर होती है चीज़ फ्लेवोनॉइड, ज़ैबदीज़ को रोकने में भी ये बहुत मदद करती है। आप सुने बहुत सुना होगा ग्रीन टी जो है, हरी चाय जो हम पीते हैं, वो सेहत के लिए बड़ी अच्छी है, लेकिन इसके अंदर उतने या उससे शायद थोड़े से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ होती है जो कैंसर प्रिवेंशन में काम करती है, तो इसके अंदर ग्रीन टी से लेवल से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं। जो आपके शरियाने होते हैं, कैपिलरीज होती है ना, उनकी जो लेयर होती है उसको भी ये बहुत ही मजबूत रखती है। इस वजह से आपको शरियानों की डिजीज़ भी नहीं होती और उसको प्रिवेंट करने में भी आसानी रहती है। एक चीज़ होती है क्रॉनिक वेनस इनसफिशेंसी, आपके जो शरियाने हैं वो सूज जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, स्पाइडर वेब बन जाता है वहाँ पे, बिल्कुल आपको वेन्स दिखती हैं, बहुत से लोगों के पाँव में हाथ में वो शरियाने आपको दिखते हैं ना, तो उसके अंदर भी ये बड़ा इफ़ेक्टिव रोल करता है, उनको मजबूत रखता है ताकि वो ये इन जो आपकी स्पाइडर वेब और ये जो शरियानों पे आपके जाल सा बन जाता है ना, स्किन पे आपको दिखता है शरियाने दिख रही हैं आपको, उसको रोकने में मदद करता है, क्योंकि कैपिलरीज को ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। बहुत से लोगों के दांतों में ब्लीडिंग गम्स होती हैं, जो दांतों के ऊपर गम्स होती हैं ना वो ब्लीड करती हैं, उसको भी रोकने में मदद करता है। अगर आप नींबू पानी पियेंगे तो ये उसमें भी प्रिवेंट करता है। आपकी सर्कुलेशन ये बढ़ाता है, जब सर्कुलेशन ये बढ़ाता है तो ये दिल के लिए भी बहुत अच्छा है और दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है, कि जो आपकी जो शरियाने हैं उनके अंदर इंटिमा होती है, एक अंदर की लेयर होती है उसे इंटिमा बोलते हैं, अक्सर वही लेयर जो है डैमेज होती है, फिर कोलेस्ट्रॉल वहाँ जाके जमा होता है और फिर आपको हार्ट अटैक और ये सारी दिल की अमराज हो सकते हैं, उसको रोकने में भी ये मदद करता है, क्यों इंटिमा को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके वेसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और सर्कुलेशन को, जो खून जा रहा है ना आपका पूरा घूम रहा है जिस्म के अंदर, उसको भी ये बढ़ाता है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हाइपरग्लाइसीमिया होता है कि जब आपकी शुगर लेवल्स ब्लड में बढ़ जाएँ और आपको ज़ैबदीज़ होने के चांसेस हैं, तो ये उसको कम करता है, क्यों ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक चीज़ होती है, स्ट्रेस को कम करता है, तो उसकी वजह से आपके शुगर लेवल्स को भी मेंटेन रखता है। घुटनों में बाकी जगहों पे सोजिश हो जाती है, वैसे तो ये पूरे जिस्म की सोजिश को रोकता है, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जिसकी वजह से सारा प्रॉब्लम शुरू होता है, लेकिन जो आपके जोड़ों में आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके अंदर भी इसका बड़ा अच्छा रोल है। जो आपके ये शुगर है और ये फैट्स हैं, ये जाके आपके प्रोटीन पे अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं उसके ऊपर, प्रोटीन एक हेल्दी चीज़ है, उस पर जब ये जाके चिपकते हैं तो वो इतने ज़्यादा काम के नहीं रहते प्रोटीन्स, तो उसको भी ये रोकने में मदद करता है, जिसकी वजह से आपके प्रोटीन्स और सेल्स जो है वो हेल्दी रहते हैं और ताकतवर रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे जिस्म की सोजिश जो है ये कम करता है,
और नींबू मेटाबॉलिक सिंड्रोम से भी बचाता है, जिसमें आपके सारे LFTs डेरेंज हो जाते हैं, शुगर बढ़ जाती है, आपकी पेट पे मोटापा आ जाता है, वज़न बढ़ने लगता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को भी रोकने में ये मदद करता है। ये आज मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं ये जनरल हेल्थ के लिए आपकी बताई हैं। नींबू एक बड़ी छोटी सी चीज़ है, पड़ी होती है, कोई उसको खाता नहीं, कोई उसको लिफ्ट नहीं कराता, लेकिन ये इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। तो डेली हमें एक जो है नींबू खाना चाहिए। उसको खाने का तरीका ये है कि आप एक नींबू पूरा क्रश करें, काटें और उसको जो है एक पानी के ग्लास में डालें, और कुछ लोगों को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता उसमें प्लीज़ नमक और शुगर नहीं डालिएगा, मीठा ना डालिएगा, वरना उसका इफ़ेक्ट काम का नहीं रहेगा। कुछ लोग एप्पल साइडर विनेगर उसमें डाल देते हैं, जिससे उसका थोड़ा टेस्ट बेहतर हो जाता है। रोज़ाना सुबह उठ के निहार मुँह अगर आप ये पियेंगे तो अच्छा है। वैसे भी अगर निहार मुँह नहीं पी पा रहे तो भी वैसे आप पिए इसको। तो ये इसका तरीका है पीने का, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आप लोगों को और मुझे भी नहीं पता थे। तो मैंने बोला कि जब मुझे ये चीज़ पता लगी है तो मैं आप लोगों को भी ट्रांसफ़र करूं, क्योंकि इससे इन चीज़ों से हम नेचुरल चीज़ों से अपना इलाज कर सकते हैं और बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी को रोक दें वो ज़्यादा बेहतर है कि इलाज की नौबत ही ना आए। तो इसलिए नेचुरल चीज़ों को अपनी लाइफ में डालने की कोशिश करें। आप DR_HHQ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी का नीचे आइकॉन उसको दबा दें ताकि आगे भी अलर्ट आपको मिलते रहें। मैं हर सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, आप लोगों को जवाब भी देता हूँ, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, आप नाम लें मैं हर चीज़ पे अवेलेबल हूँ। और यूट्यूब पे आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, और अपना ख़ास ख्याल रखें। शुक्रिया।